गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू जान। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो बीएड स्टूडेंट्स के लिए है। कि उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स आपके चार प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो जो चार प्रैक्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उसमें आपकी क्या है, फाइल्स बनती हैं, ठीक है। एक फाइल जो है वो आपकी 50 मार्क्स की होती है। तो जो 50 मार्क्स की है वो क्या होता है, आपके रिटर्न प्लस में वाइवा होता है। तो जो आज की क्लास है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है कि मैं आपको फाइल बनाना बता रही हूँ कि कैसे फाइल बनाते हैं, कैसे उसमें क्या है कि जो रिटर्न जो चीज़ें ना वो चीज़ें इसमें आ जाएगा कि आपको A to Z की क्या उसमें इंडेक्स है, फाइल कैसे बनेगी, कैसे उसमें काम किया जाता है। क्योंकि 50 मार्क्स स्टूडेंट्स, अगर आपने बहुत अच्छी से फाइल बनाए ना, तो इट्स मीन क्या होता है कि आपके 50 में से 48 या 47 वो ही लगे ना, तो आपकी जो परसेंटेज है वो मतलब जो कहते हैं ना बहुत हाई चली जाती है। तो जो सब्जेक्ट है वो है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो ये आपके MDU स्टूडेंट्स हैं, KU स्टूडेंट्स हैं, GU स्टूडेंट्स हैं, फिर या CRSU, हर यूनिवर्सिटी में सेम होता है और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे देख लो, तो सब्जेक्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। अब देखो इंडेक्स में है, मैंने डाला हुआ है इंडेक्स में, फर्स्ट वन क्या है इंट्रोडक्शन, फिर रीडिंग एज ए लैंग्वेज स्किल, फिर रीडिंग मीनिंग, रीडिंग टेक्निक्स, इक्वाइजेशन ऑफ रीडिंग स्किल्स, रीडिंग फॉर ग्लोबल एंड लोकल कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ टेक्स्ट, क्लोज रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, क्रिटिकल रीडिंग, वेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, राइटिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पज, राइटिंग फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस, एक्सपीरियंस द क्लासरूम प्रोसेस, रिकॉग्नाइजिंग एरर्स, एडिटिंग द रिटर्न टेक्स्ट, एडिटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, रीड रिफ्लेक्ट्स एंड थिंकिंग क्रिटिकल, टेक्स्ट मीनिंग टाइप स्ट्रक्चर्स लैंग्वेज फीचर्स वर्ल्ड एंड कॉन्टेंट नॉलेज, एंड लास्ट में आ जाता है आपका कंक्लूजन। और ये क्या था स्टूडेंट्स, आपका पेज नंबर गिवन है कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज पे है। तो आई होप कि आपको जितने भी सारे टॉपिक्स थे ये आपको क्या है, अगर आप जो भी यूनिवर्सिटी है ना उसके क्या है सिलेबस में जाओगे कि ये क्या है बीएड क्या है, आप सिलेबस फाइंड आउट करोगे वहाँ पे भी PDF में मिल जाएगा। अब उसके बाद है देखो, एक साइड आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स, रूल शीट होती हैं, और दूसरी साइड्स आपकी क्या होती हैं कि आपकी लाइनिंग वाली जो शीट्स होती है ना वो होती है। वहाँ पे आपको क्या है डाटा लिखना पड़ता है कि कौन सी फाइल में मतलब जो टॉपिक होता है वो, और अपोजिट साइड्स उसी से रिलेटेड आपको फिगर है वो ड्रॉ करनी पड़ती है। तो देखो ये फर्स्ट में, अब टॉपिक क्या है आपका इंट्रोडक्शन। अब ये सारा आपका इंट्रोडक्शन हो गया। मैं आराम से स्टूडेंट्स स्क्रॉल कर रही हूँ कि आप आराम से इजीली देख लो, या फिर आप क्या कर सकते हो पॉज करके भी चीज़ें आराम से देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो फिर देख सकते हो। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग एज ए लैंग्वेज स्किल्स, ये आपकी ड्राइंग हो जाएगी उसी से रिलेटेड। ये रीडिंग,
ये उसी से रिलेटेड पिक्चर है, मीनिंग ऑफ ए रीडिंग, कि जो रीडिंग है उसका मीनिंग क्या है। फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ रीडिंग, अब उसकी पिक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग, ये टॉपिक पिक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग में व्हेन टू स्टार्ट टीचिंग रीडिंग, ये आपका फिर पिक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा प्रॉब्लम व्हाइल रीडिंग, इश्यूज विद डिकोडिंग, पुअर कंप्रिहेंशन स्पीड, पिक्चर। मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, अल्फाबेटिकल मेथड, फोनिक मेथड, वर्ड हॉल मेथड, पैराज मेथड, सेंटेंस मेथड। अभी देखो ये टेक्निक्स में कि कितनी, मतलब एक जो कहते हैं ना अच्छी जो है, एक एक वर्ड लिख के जो काम किया हुआ है। रीडिंग टेक्निक्स, अब इसमें इसके पॉइंट्स हो जाएंगे। स्कैनिंग, एक्वाइजेशन ऑफ रीडिंग स्किल्स, एक्वाइजेशंस ऑफ रीडिंग स्किल्स, रीडिंग फॉर ग्लोबल एंड लोकल कॉम्प्रिहेंशन, अब ये इसकी पिक्चर। मेक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इन्वॉल्व्स क्रिटिकल इवेल्युएटिंग, मेकिंग मीनिंग्स फ्रॉम टेक्स्ट, मेकिंग कनेक्शंस विद एग्जैक्टिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आर मेनली फॉर टू टाइप्स, ग्लोबल एंड लोकल। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, हाउ, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, फैक्चुअल क्वेश्चंस, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स वो हो जाएगा। अब डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, नरेशन टेक्स्ट, कन्वर्सेशन, बायोग्राफिकल स्केच, रीडिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ टेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, जो आपकी पिक्चर्स है वो हो जाएंगी। प्ले, पोयम, लेटर्स, स्क्रीन प्ले, रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्ट,
अटेंटिव क्लोज रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट्स। यहाँ पे आपकी पिक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट क्लोजर टेक्स्ट। अपोजिट साइड आपकी पिक्चर हो जाएगी। क्रिटिकल रीडिंग, पिक्चर, क्रिटिकल फीचर्स ऑफ क्रिटिकल रीडिंग, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ क्रिटिकल रीडिंग। वेज ऑफ रीडिंग, प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, एडवांटेजेस प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजीज, नेक्स्ट हो जाएगा पोस्ट रीडिंग एडवांटेजेस, रीडिंग स्किल्स, प्रोसेस ऑफ राइटिंग, प्री राइटिंग, रफ ड्राफ्ट, पीयर एडिटिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, फाइनल ड्राफ्ट, पब्लिशिंग, प्रोसेस ऑफ राइटिंग। प्री राइटिंग अभी जो ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया था वो ये स्टूडेंट्स, रफ ड्राफ्ट, प्री एडिटिंग, सेम वही आपकी ये ड्राइंग हो जाएगी, रिवाइजिंग, एडिटिंग, फाइनल ड्राफ्ट, पब्लिशिंग, पर्पस, राइटिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ऑडियंस, राइटिंग फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस, द राइटिंग प्रोसेस, प्लानिंग एंड ड्राफ्टिंग, experience the classroom process of writing, देखो कितनी मतलब जो कहते हैं ना एक्सट्रीम, जो एक एक जो टॉपिक है कैसे कोरिलेट स्टूडेंट्स किया हुआ है। कोलैबोरेटिव राइटिंग, एडिटिंग, आउटपुट, लर्नर्स, कोलैबोरेटिंग एरर्स,
recognizing errors as part of learning process. How can we use learning errors to our advantages? We can learning errors to our advantages. ये इससे रिलेटेड पिक्चर हो जाएगी स्टूडेंट्स. टेक्नोलॉजी कैन टर्न एरर्स इनटू द टीचेबल मोमेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा स्टूडेंट्स डिस्कवर एनालिसिस लैंग्वेज कंटेंट प्रैक्टिस. Editing the written text in term of discourse analysis. ये related picture हो जाएगी. Writing convention उससे related picture हो जाएगी. Next होगा reading and reflecting on text. Understanding the concept of reflecting writing. And the next हो जाएगा picture है आपकी, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग राइटिंग. ये जूम करके अच्छे से देख लेना. एंड द नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा उसी से रिलेटेड उसकी पिक्चर. नेक्स्ट हो जाएगा रीड रिफ्लेक्ट्स एंड थिंकर्स क्रिटिकली बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टीचिंग फॉर टीचर्स. बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग रीडिंग एंड स्टूडेंट्स ये उसी से रिलेटेड. देखो कितनी मतलब एक्सट्रीम ब्यूटीफुल जो पिक्चर है रेलिवेंट टू टॉपिक. Developing teacher's philosophy उसी से related picture हो जाएगी. Text text पूरा सब कुछ. Descriptive text information text ये pictures related. Types of text अब जो भी बताया था ना मैंने डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्स्ट अब ये उसी से रिलेटेड पिक्चर. इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स लैंग्वेज फीचर्स वर्ड नॉलेज
कंटेंट नॉलेज, अब वही चीज है, अभी तो क्या था पिक्चर में थी, अब वही रिटर्न में आ जाता है, वर्ड नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, ये पिक्चर हो जाएगी, ये आपका लास्ट में क्या आ जाता है, कंक्लूजन आ जाता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है, स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और जैसे स्टूडेंट्स मैंने एक सब्जेक्ट की बनाई है, हिंदी मीडियम की भी स्टूडेंट्स मैंने कुछ वीडियोस बना दिए, धीरे धीरे करके मैं सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो है वो बना रही हूँ, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है कि इस सब्जेक्ट की बन गई इसकी नहीं बनी, कह रहे ना कि आप थोड़ा सा टाइम, उसके बाद आपको सब सब्जेक्ट्स की है वो आपको क्या है PDF है वो मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।